अभी तक कुछ आधारभूत रचनाओं पर विचार किया गया है। अब हम त्रिभुजों की रचना करना सीखेंगे। किसी त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम उसके तीन भाग दिए होने चाहिए, परंतु तीन भागों से सभी संचय अर्थात कॉम्बिनेशन इसके लिए पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि दो भुजाएं तथा एक कोण जो बीच का कोण नहीं है दिए गए हों, तो अद्वितीय रूप से त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। इन विधियों को समझने से पहले हम समांतर रेखाओं का रचना सीखते हैं। हमें एक रेखा AB दिया गया है, इसके समांतर हमें एक और रेखा C पर बनाना है। हमें पता है कि दो समांतर रेखाएं कोई दिए हुए रेखा के साथ समान कोण बनाते हैं, इसलिए हम सबसे पहले B को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं जो AB को F पर प्रतिच्छेद करता है। अब उसी त्रिज्या को लेकर C को केंद्र मानकर एक और चाप लगाइए। क्योंकि हमें कोण B के बराबर कोण C चाहिए, हम EF के बराबर त्रिज्या लेकर G को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं जो माना H पर प्रतिच्छेद करता है। अब CH को मिलाइए, तब रेखा CD रेखा AB के समांतर है। एक त्रिभुज ABC में आधार BC, एक आधार कोण B तथा अन्य दो भुजाओं का योग AB+AC दिया है। आपको त्रिभुज ABC की रचना करनी है। रचना के चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप आधार BC बनाइए और दिए गए कोण के बराबर कोण XBC बनाइए। किरण BX से AB+AC के बराबर एक रेखांकन BD काटिए। अब DC को मिलाइए। अब हमें एक रेखा CY बनानी है ताकि कोण DCY कोण BDC के बराबर हो। इस रेखा को बनाने के लिए हम उसी विधि का उपयोग करेंगे जिससे हमने समांतर रेखाएं बनाए थे। सबसे पहले D को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए और उसी त्रिज्या को लेकर C को केंद्र मानकर एक और चाप लगाइए। अब G को केंद्र मानकर और EF के बराबर की त्रिज्या लेकर एक और चाप लगाइए जो H पर प्रतिच्छेद करता है। अब CH को मिलाइए तो हमें रेखा CY प्राप्त होगा। हम मानते हैं कि CY BD को A पर प्रतिच्छेद करता है, तो हम यह देख सकते हैं कि कोण ACD कोण ADC के बराबर है और त्रिभुज ABC ही अभीष्ट त्रिभुज है। अब हम देखते हैं कि हमें यह अभीष्ट त्रिभुज किस प्रकार प्राप्त हुआ है। दिए गए मापन अनुसार आधार BC तथा कोण B बनाए गए हैं। पुनः त्रिभुज ACD में कोण ACD कोण ADC के बराबर है रचना से। अतः AC
AD के बराबर होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज ACD समद्विबाहु त्रिभुज है। और फिर AB BD माइनस AD के बराबर है, जो BD माइनस AC के बराबर है, क्योंकि AC और AD बराबर हैं, अर्थात AB प्लस AC BD के बराबर है। हमें आधार BC एक कोण, माना कोण B, तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर AB माइनस AC दिया है। आपको त्रिभुज ABC की रचना करनी है। रचना के चरण इस प्रकार है। सबसे पहले आप आधार BC बनाइए और दी गए कोण के बराबर कोण XBC बनाइए। अब किरण BX से AB माइनस AC के बराबर एक रेखांकन BD काटिए। DC को मिलाइए और DC का लंब समद्विभाजक बनाइए। अब PQ को जोड़िए, माना कि यह BX रेखा को A पर प्रतिच्छेद करता है। अब आप AC को मिलाइए। अब त्रिभुज ABC ही अभीष्ट त्रिभुज है। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार आपने अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त किया है। दिए गए मापन अनुसार आधार BC और कोण B बनाए गए हैं। बिंदु A DC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, अतः AD AC के बराबर है। इसलिए BD AB माइनस AD के बराबर है, जो AB माइनस AC के बराबर है। हमें पिछले प्रश्न में AB माइनस AC दिया गया था, परंतु अगर हमें AC माइनस AB दिया गया हो तो हम क्या करेंगे? अगर हमें AC माइनस AB दिया गया है, तब कोण XBC बनाने के बाद हम रेखांकन BD BX के विपरीत दिशा में काटेंगे। आगे की विधि में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमें आधार के कोण B और C और AB प्लस BC प्लस CA दिए हैं और हमें त्रिभुज ABC की रचना करनी है। रचना के चरण इस प्रकार हैं। AB प्लस BC प्लस CA के बराबर एक रेखांकन XY खींचिए। कोण LXY कोण B के बराबर और कोण MYX कोण C के बराबर बनाइए। अब हमें कोण LXY और कोण MYX के समद्विभाजक बनाने हैं। माना कि यह A पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब AX का लंब समद्विभाजक PQ और
AY का लंब समद्विभाजक RS बनाइए। पहले हम AX का लंब समद्विभाजक बनाते हैं। फिर अब AY का लंब समद्विभाजक बनाते हैं। अब PQ और RS को जोड़िए। माना कि PQ XY को B पर प्रतिच्छेद करता है और RS XY को C पर प्रतिच्छेद करता है। अब AB और AC को मिलाइए। त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है। आइए अब हम देखते हैं कि हमने त्रिभुज ABC कैसे प्राप्त किया है। B XY के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, इसलिए XB AB के बराबर है। और इसी प्रकार CY AC के बराबर है। BC प्लस CA प्लस AB जो त्रिभुज का परिमाप है वो अब BC प्लस XB प्लस CY के बराबर है जो हमने XY की लंबाई ली थी और कोण BAX कोण AXB के बराबर है। और क्योंकि कोण ABC कोण BAX प्लस कोण AXB के बराबर है जो 2 गुना कोण AXB के बराबर है जो कोण LXY के बराबर है। इसलिए जो त्रिभुज ABC है वही अभीष्ट त्रिभुज है। धन्यवाद।